हेलो गाइस, मैं हूं अमित और आप सभी की जबरदस्त डिमांड के बाद में हम लोग आ चुके हैं बॉक्सटर और निंजा को लेके, क्योंकि आपने कहा था कि इन दोनों की ड्रैग रेस करवाओगे। गाइस, ये है सुपर बाइक और ये है सुपर कार, और इन दोनों में कौन सी जीतेगी ये देखना हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इसीलिए यहाँ पर जो स्टार्ट की लाइन है वो गाइस रेडी है, यहाँ से रेस स्टार्ट होगी और एक ड्रैग रेस है, यानी कि ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। शुरुआत में कौन ज्यादा खींचता है वो वाली चीज यहाँ पर ज्यादा मायने रखती है। तो फटाक से शुरू करते हैं, सब लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। भाई साहब, जो दोनों की दोनों, अरे मैं भी हूँ, हैं? मैं भी हूँ रेस में, मैं भी करूँगा रेस। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? अबे क्या है, मैं भी करूँगा भाई। ये क्या ले गया है बीच में, ये कहाँ से रेस करेगी? कैसे भी करे मैं तो करूँगा भाई। अबे ले दे इसको, हटा इसको बीच में। भाई ये कहाँ भिड़ेगी इनके आगे। बहुत पावरफुल है मेरी। अरे इसको धक्का देके निकालो बाहर। अपनी लप्पू बाइक लेके मत आया करो यहाँ पे। चलो भाई, गाइस वैसे वो बाइक बड़ी मस्त कमाल भागती है। गाइस यहाँ पर जो सेटअप है वो तैयार है, यहाँ खड़ी है बॉक्सर, यहाँ खड़ी है निंजा। बारे में थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं गाइस, ये जो बॉक्सटर है ये भाई एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार है। इसके अंदर आता है 2 लीटर का इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है लगभग 300 हॉर्स पावर की ताकत, और ये है निंजा ZX 10R जिसके अंदर आता है, जो कि प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है। इसके अंदर आता है गाइस 1 लीटर का बहुत ही खतरनाक इंजन जो कि इसको बहुत तेज भगाता है, यानी कि इस गाड़ी का जो इंजन है वो इससे डबल बड़ा है। मेरी चप्पल निकल गई गाइस, कोई बात नहीं पहन लेता हूँ, पहले ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। चलो, क्योंकि गाइस मेरे पैर की उंगली टूटी थी तो अब तक ये सही नहीं हो पा रही है, मतलब टाइम तो लगता ही है सही होने में। तो अब इन दोनों में से कौन सी जीतेगी? इस बाइक का जो वेट है वो है लगभग 200 किलो के आसपास, लेकिन इसका जो वेट है वो है 1300 किलो से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर गाइस पावर ज़्यादा है लेकिन वेट भी ज़्यादा है, पावर कम है लेकिन वेट बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन दोनों जो है वो बनी है रोड पर भागने के लिए, ट्रैक्स पर भागने के लिए। करते हैं दोनों की रेस स्टार्ट और रिजल्ट जो है वो देख ही लेते हैं कि क्या आता है। भाई सब तैयार है? भाई चलो भाई फिर। गाइस दोनों की ड्रैग रेस करने के लिए हम खाली जगह पे तो एकदम आ चुके हैं, लेकिन पहले करेंगे ड्रैग रेस से पहले एक लल्लू पल्लू कंपटीशन जो कि कोलगेट के साथ होगा। क्या बोला तूने? लल्लू पल्लू कंपटीशन, और देखते हैं इसको कौन जीतता है। भाई कोलगेट जो है वो निकालनी है कौन ज्यादा दूर तक फेंक सकती है दोनों में से। भाई रूल सिंपल है, हाँ। इसके आगे कोलगेट रहेगी खोल के, कितना दूर तक फेंक सकता है आगे, मतलब सामने? हाँ दूर जाना चाहिए, ठीक है, वो मतलब उसमें जेट निकल के जाएगा। गाइस देखते हैं कितना दूर तक फेंकती है ये। चल 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 चल, चल। बस ले जा डाले, बंद कर ले इसको, बंद कर ले। गाइस जो गाड़ी है, जो बाइक है, उसने इतना फेंका इतना दूर तक, आपके सामने रिजल्ट है भाई। अब लाते हैं बॉक्सटर को और देखते हैं लल्लू पल्लू रेस में कौन जीतता है। क्या कर रहे हैं? ब्रश कर लेता हूँ, काफी दिन हो गए। ब्रश कहाँ से लेके आए? खरीद लाया तुम, कॉलेज खरीदी तो ये भी खरीद लिया। तो इसको चाट ले, इसको वापस डाल ले, ले जा इसको। अबे वो रोड पे था वो। अरे कोई घाट नहीं आ रहा, ब्रश तो कर ली जाने। यहाँ चारों तरफ गोबर गोबर गिरा हुआ है चारों तरफ। कोई घाट नहीं। चढ़ गई? कितने गई? गाइस गाइस लल्लू पल्लू रेस का कंपटीशन विनर हूँ मैं। यहाँ इसकी 2 फीट गई है ये वाली, भाई यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, और ये है 3.5 गुना ज्यादा देर से। ओए अरे डब्बा तो दे दो इसका, इसका डब्बा तो दे दे, कोलगेट का डब्बा। मेरी गाड़ी को तोड़ के दिखाओ है? मेरी गाड़ी को तोड़ के दिखाओ, तेरी गाड़ी तोड़ के दिखाओ। चलो कर लेकर दे। अरे इसको क्या तोड़ेंगे यार? अरे अरे ये तो कुछ स्पेशल है, ये तो स्पोर्ट्स कार है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी को तोड़ के दिखाओ तो मानू, गाड़ी पंचर हो गई तो मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। अरे इंश्योरेंस है कि नहीं है इसका? मेरी का तो है भाई,
मेरी का है? हाँ मेरी का तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस है आने दे। हाँ। जाने दे स्पीड से। ओह गाड़ी के ऊपर ये टायर। मेरे नुकसान की भरपाई करो भाई। भाई तूने बोला था इंश्योरेंस भरपाई करो जी भरपाई। ये है इसकी गाड़ी जो कि नहीं टूट रही थी। डब्बा ला के हमको बोलता गाड़ी तोड़ो। अरे बहुत पैसे वाली गाड़ी थी। ले जाते हैं पैसे वाली गाड़ी को। और गाइस कुछ ही देर में रेस शुरू होने वाली है भाई। मुकाबला होगा जबरदस्त। दोनों गाड़ियां जो है स्पोर्ट्स हैं और भाई यहां पे मुझे लग रहा है कि बाइक जीत सकती है, क्योंकि यार उसके पास एक एडवांटेज है कि वो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती है और टू व्हीलर है तो मुझे लगता है वो जीत सकती है। बाकी देखते हैं भाई, दूसरी वाली जो पोर्श है उसमें भी दम काफ़ी है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ये क्या जीतेगा तो रिजल्ट आपको लास्ट में ही पता चलेगा। देखते हैं भाई, गाड़ियां वहां पे ऑन हो चुकी है। कौन जीतेगी बाइक? चलो भाई, भाई जो बच्चे देख रहे हैं वो बोल रहे हैं गाड़ी जीतेगी, तो भी पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन नहीं। तो गाइस दोनों गाड़ियां तैयार है। बॉक्सटर 718 को चला रहा हूं मैं और निंजा ZX10R को चला रहा है अंकित फर्स्ट ट्राई में। देखते हैं कि कौन सी गाड़ी जो है वो आगे निकलती है। भाई बैठते हैं गाड़ी में। अरे पानी पी लेंगे पहले, गाड़ी लगा लो। लास्ट टाइम नहीं पी सकता वो, नहीं पी सकता, हेलमेट लगा रखा है उसने। ओए अंकित, तीन बार हॉर्न बजाऊंगा, तीसरी 3 2 1 पे निकल जाना, ठीक है? 3 2 1 पे निकल जाना। हाँ बबलू रेडी रहना तू। फुल रोल तो बाद में सब लगा दे। अरे वो तो रह गया, कहीं रह गया वो तो। भाई निंजा तो कहीं पे ही छोड़ दी उसने, आसपास ही नहीं है वो तो, आसपास ही नहीं है। ये निकल गई अपनी गाड़ी सुपर फास्ट। तो भाई दोनों गाड़ी आ चुकी, आवाज देखो आप उत्तरी उत्तरी। ओ भाई साहब आवाज यार क्या खतरनाक है भाई। और वो गाड़ी मतलब निंजा तो पकड़ ही नहीं पाई उसको, बहुत पीछे थी यार। अरे कहाँ रह गया भाई, इतना क्विकली हम लोग यहाँ पे आ गए, कहाँ रह गया? अरे ये रेस नहीं मांग रही, रेस को नहीं मांग रही, फर्स्ट गेट नहीं, तूने फर्स्ट गेट में मांग ही नहीं रही। क्यों नहीं मानेगी रेस? तो मानेगी, नहीं मान रही। ना 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 ऐसा नहीं होता ना ना सच में भाई, गाड़ी कहीं से कहीं रह गई उसकी तो, कहीं से कहीं। चलो राउंड टू करते हैं। राउंड टू ठीक है। 3 2 1 ये क्या हुआ रे? कभी कोई कभी कोई भाई मुझे लग रहा है निंजा जीत गई इस बार। अबकी बार अंकित जीत गया। गाइस इस बार उसने जो है खींच दिया आगे, रास्ते में पीछे छोड़ दिया भाई। मैंने तो भाई पूरी जान लगा दी थी गाड़ी की, लेकिन बात यह है कि उसके पास 1 लीटर का इंजन है जो कि उस बाइक के साइज के हिसाब से बहुत बड़ा है। भाई हरा दी बाइक ने, हरा दिया सुपर कार को, हरा दिया बाइक ने। अरे यार ये शुरू में है ना, जो फर्स्ट वाला है ना उसमें थोड़ा कम खींच रही है शुरू में, लेकिन तेरी तो फिर भी पीछे थी। कौन से गियर में उठाई है तूने? पहले में क्यों नहीं उठाई? अच्छा A few moments later. हे प्रभु, हे प्रभु, क्या कर दिया? अबे गिर गया। अरे उसको उठाओ पहले। अबे क्या कर रहा है? कहाँ गिरा दिया? मरेगा तू? तेरी में इसकी टांग कितना वजन है इसमें? कम वजन ऐसे ही कह रहे थे भाई, बताने के चक्कर में बाइक ही गिरा दी। अबे तेरी तो कैसे गिरा रहा है? इसमें पानी भरा हुआ था। तो भाई राउंड टू के अंदर ये जो है जीत गई निंजा। चलो एक बार फिर से करते हैं तीसरा राउंड। भाई ये निंजा की पावर है। भाई निंजा इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जब उधर से आ रहा था तो मैं आगे था शुरू में, लॉन्च बहुत अच्छा किया मैंने,
लेकिन फिर भी जो है गाड़ी कम से कम मेरे से 60-70 फीट पीछे रह गई थी और फिर भी छोड़ दिया भाई। फिर भी आगे निकल के मेरे को दिख रहा है गाड़ी जा रही है, मैं पूरी रेस दबा रखा हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा। मतलब मेरी वाली भी पिकअप कर रही है। और यहाँ पर पता गाइस वैसे तो ये रोड लगभग सुनसान ही रहता है लेकिन अभी गाड़ी को देखने के लिए इतने लोग आ चुके हैं यहाँ पे देखो भाई। और ये रोड पे रुक चुके हैं जो इधर उधर जाते हुए लोग थे ना भाई। क्या लगता है इस बार क्या होगा भाई? पता नहीं यार, जिस हिसाब से उसको इंजन भगा रहा है ना लगता नहीं कि बॉक्सर के आगे वो टिकेगी, क्योंकि भाई वो एक बाइक है और बाइक्स हमेशा ही गाड़ी से तेज भागती है। जो सुपर बाइक्स होती है ना वो सुपर कार से तेज भागती ही है। और निंजा एक ऐसी बाइक है, आप लैम्बोर्गिनी भी इसके सामने रख दोगे ना तो लैम्बोर्गिनी को भी पीछे छोड़ देगी, क्योंकि लीटर बाइक है, लाइट वेट है और बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए ही बनी हुई है, दूसरा कोई काम ही नहीं है इसका। चलो गाइस नेक्स्ट राउंड इन 3-2-1। गाड़ी खींच देती है और मजा आ गया भाई स्पोर्ट्स वाला। और मुझे लगता है कौन जीता है, समझ में नहीं आया मेरे को तो नहीं समझ में आया कौन जीता है, उसको पता होगा लेकिन भाई समझ में नहीं आया कौन जीता है। अबे कौन जीता है पता नहीं, नहीं समझ में आया गाइस ये तो कैमरा में देखना पड़ेगा कि किसने जीता है, क्योंकि कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। दोनों गाड़ी एक साथ 30 स्पीड बहुत ज्यादा थी, कंसंट्रेशन रोड पे था, पता ही नहीं दिखाई नहीं। और गाड़ी भी ऐसे उछलती कूदती आई है भाई साहब। राउंड हो चुके हैं 3 और तीनों राउंड का जो रिजल्ट रहा है वो ये रहा है कि पहली बार में जीती बॉक्सटर, दूसरी बार में जीती निंजा और तीसरी बार के अंदर दोनों ऑलमोस्ट बराबर गए हैं। एक बार कैमरा में देख के फाइनल कर लेते हैं कि कौन आगे निकला लास्ट में। भाई वहां पर कॉल करके एक बार कंफर्म करता हूँ। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई। हाँ बबलू ये बता, लास्ट राउंड में अभी मतलब जो अभी हुआ था उसमें कौन जीता है भाई, कौन आगे निकला है? हम दोनों कंफ्यूजन में हैं। आप जीते थे, कौन सी गाड़ी जीती है? रेड वाली बॉक्सटर जीती है। कितनी 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 आगे निकली? हमको तो लगा यार दोनों बराबर ही निकले हैं दोनों। और इसीलिए गाइस आज के इस मुकाबले की विनर होती है बॉक्सटर। जो निंजा है वो भी भाई बहुत तेज भागती है लेकिन कहीं ना कहीं या तो ये डर गया, क्योंकि वो तो कम भागने वाली बाइक नहीं है भाई। वो जो है वो किसी भी सुपरकार को चैलेंज कर सकती है, शायद बुगाटी को छोड़ के, उसके अलावा वो लैम्बोर्गिनी को भी पीछे छोड़ सकती है, लेकिन इससे भगाई नहीं गई या तो, या फिर मैंने इसको ज्यादा भगा लिया। और भाई लास्ट का जो राउंड था ना, लास्ट के राउंड में तो इतना ज्यादा क्लोज मुकाबला था और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे में जो है गाड़ियां घुसने को हो गई थी, और जो गाड़ी का बैलेंस था वो भी ऐसा हो रहा था कि अब बिगड़ ना जाए, लेकिन ये स्पोर्ट्स कार है काफी नीची है। हाँ वो तो सीधी चल रही थी, ये तो ऐसे ऐसे हो गई थी तो मैं घबरा गया लेकिन मैंने गाड़ी को जो है रोक लिया भाई सक्सेसफुली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा मजा आया होगा वीडियो के अंदर। अगर आया तो वीडियो के लिए लाइक का बटन गाइस जरूर से ठोक देना, बॉक्स के साथ आगे क्या करना है वो जरूर से बता देना। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।